देखो आज हम पढ़ेंगे ऑर्डर ऑफ नंबर। ऑर्डर ऑफ नंबर में एसेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर कैसे लिखते हैं, कैसे पढ़ते हैं, ठीक है। अब मान लो हमें इजी वे में है, घर में सबके यहाँ सीढ़ी होती है ना, सीढ़ी जैसे ये तुम्हारा नीचे का पोर्शन है, ठीक है, नीचे का पोर्शन है, इसमें जब हम सीढ़ी चढ़ते हैं तो कैसे चढ़ते हैं, ऐसे ही होती है हमारी सीढ़ी ना, ऐसे ही चढ़ते हैं ना सीढ़ी, ऐसे होती सीढ़ी। तो पहले ये बताओ, पहले नीचे वाले पांव यहाँ पे पांव रखते हो चढ़ने के लिए कि सीधे नौ पे चले जाते हो, ठीक है। अब तो जो है पहले एक नंबर वाली सीढ़ी पे रखते हो ना, उसके बाद दो नंबर पे, फिर तीन नंबर पे, फिर चार नंबर, ऐसे ऐसे तो चढ़ के जाते होगे। तो ये हमारा क्या हो गया, एसेंडिंग ऑर्डर, क्या हो गया, बढ़ते क्रम में, इसमें हो गया बढ़ते क्रम। कैसे, देखो एक से दो पे जा रहा है, दो से तीन पे, तीन से चार पे, चार से पांच पे, पांच से छह पे, छह से सात पे, सात से आठ पे, आठ से नौ पे, और कहाँ पहुंच जाते हैं हम, छत पे, ठीक है, कहाँ पहुंच जाते हैं, छत पे, सीढ़ी चढ़ते, ठीक है। तो ये हमारा छत हो गया, छत पे चढ़ने के लिए हमें ऊपर से नीचे से ऊपर की ओर जाना पड़ेगा, कहाँ से, ऊपर की नीचे। देखो तो सीधी बात है, जो हमारा सीढ़ी चढ़ना होता है, सीढ़ी चढ़ना होगा, ठीक है, उसे क्या कहेंगे, असेंडिंग ऑर्डर, क्या बोलेंगे, असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। यस सर। और वही चीज अगर जो हम उल्टा कर दे तो घटते क्रम में, अब देखो ये हमारा बढ़ते क्रम में हो गया, अब हमें कुछ नहीं करना है, सर इसको अब ये जो लड़का ऊपर चढ़ा था, मान लो ये कोई लड़का है, ठीक, ये ऊपर चढ़ गया था छत पे, ठीक है, एक से लेके नौ तक ऊपर चढ़ा था, अब इसी लड़के को हम नीचे उतारे, अब लड़का सीधे यहाँ तो नहीं आ जाएगा ना, पहले नौ पे आएगा, नौ से आठ पे आएगा, आठ से सात पे आएगा, सात से छह पे आएगा, छह से पांच पे आएगा, पांच से चार पे आएगा, चार से तीन पे आएगा, तीन से दो पे आएगा, दो से एक पे आएगा, ठीक है। तो इस लड़के को छत से सीढ़ी द्वारा नीचे उतारने की क्रिया को क्या कहेंगे, घटते क्रम में, क्या हो जाएगा, घटते क्रम में, ठीक है। अब इसे क्या बोलते हैं, डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है, जैसे असेंडिंग होता है वैसे हमारा क्या होता है, डिसेंडिंग होता है, ठीक है, डिसेंडिंग ऑर्डर होता है, ठीक है। तो अब ये हमारा क्या हो गया, डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है, डिसेंडिंग ऑर्डर। अब समझ में आ गया कि जब हम सीढ़ी से ऊपर की तरफ चढ़ेंगे तो हमारा कौन सा ऑर्डर होगा, असेंडिंग ऑर्डर, बढ़ते क्रम में, और जब सीढ़ी से नीचे उतरेंगे तो कौन सा ऑर्डर होगा, डिसेंडिंग ऑर्डर, घटते क्रम में, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखोगे, यस सर। अच्छा हो तो ऐसे बना लो, ठीक है, क्या बनाओगे, एक तरफ दिखा दो, ऐसे ऐसे एरो लगा दो, ऊपर की तरफ चढ़ रहा है, ठीक है, और एक तरफ का निशान लगा दो ऐसे, तो जो ऊपर की तरफ चढ़ेगा जिधर एरो ऐसे रहेगा वो क्या होगा, बढ़ते क्रम में, ठीक है, बढ़ते क्रम में, और जो नीचे की तरफ आएगा उसको क्या कहेंगे, घटते क्रम में। भाई तुम कक्षा एक में पढ़ रहे हो और कक्षा एक से दो में जाओगे तो बढ़ोगे कि घटोगे, बढ़ोगे, और हम कक्षा नौ में पढ़ रहे हैं फेल हो जाएं और कक्षा आठ में आ जाएंगे तो क्या होगा, घटते क्रम में, ठीक है।